हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे कटहल की सब्जी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो चिकन मटन खाना भूल जाओगे। हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है लव कुश ब्लॉग में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करके ऑल कर देना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। ये देखो इतना सारा मैंने लहसुन लिया है, इससे मैं काटूंगी। अगर आपको मतलब चाकू से भी काट सकते हो लेकिन मैं इससे काटूंगी। इससे क्या है, फटाफट जल्दी कट जाती है। बिहार के जितने लोग हैं इसी से काटते हैं। और ये हाथ में ऑयल लगा लेंगे, ये कटहल है, अब इसको इससे काटेंगे, देखना कितना फटाफट कट जाता है। ये देखो ऑयल लगा लिया। ऑयल लगाने से ये होता है कि कटहल के चिपकते नहीं हैं, इसमें बहुत खतरनाक लस्सा होता है, वो चिपकता नहीं है। अब ये देखो इससे फटाफट जल्दी कट जाएगी। और मैं अभी सब्जी काट रही हूँ तो मेरा बाबू वीडियो शूट कर रहा है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मतलब अच्छा होता है। इस तरीके से आप बनाना, मीट चिकन खाना भूल जाओगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा होता है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अब ये कटहल छील लेते हैं। ये देखो फटाफट हो जाता है। चाकू में क्या है, उससे टाइम लगता है, कट तो जाती है लेकिन टाइम लगता है, इससे फटाफट हो जाती है। वो पीछे आलू रखी है तो आप लोग इग्नोर करना, मैं ज़्यादा लेके रख लेती हूँ। ये देखो, अब ये देखो ऐसे पीस मैंने काटा है। ये आलू बड़े बड़े काट के दिए क्योंकि कुकर में बनाएंगे। दो टमाटर है, चार पांच प्याज था उसको मैंने कट लिया। ये लहसुन को भी चॉप करके रख लिया, धनिया पत्ता था। अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये कुकर में तेल डाल दिया, गैस को ऑन कर दिया। कुकर में क्या है, अच्छी तरह बन पक जाती है। आप अगर चाहो तो कढ़ाई में भी बना सकते हो, लेकिन कढ़ाई में क्या है तो फिर कटहल को बॉईल करके बनाना पड़ेगा। ये तेल गरम हो गया, इसमें जीरा डाल देंगे। ये देखो अब जीरा थोड़ा सा पक जाए, उसमें फिर प्याज लहसुन जो ये प्याज डाल दिए। ऑयल एकदम गरम होना चाहिए ताकि कच्चापन हट जाए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा होता है। इस तरीके से आप बनाना, प्याज को हल्का सा मतलब भूनेंगे, ब्राउन होने तक इसको चलाएंगे। उसके बाद फिर कटहल आलू जो रखे थे, आलू से क्या है ग्रेवी अच्छी होती है। ये देखो अब इसको थोड़ा सा चलाएंगे, उसके बाद इसमें कटहल डालेंगे ताकि जो कच्चापन है वो हट जाए। कुकर में बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनता है कटहल की सब्जी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, 100% गारंटी है कि मटन चिकन खाना छोड़ दोगे ऐसे इस तरीके से अगर बनाओगे तो। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखो इसको थोड़ा सा और चलाएंगे, उसके बाद इसमें सब्जी डालेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल कर देना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक जाए। ये देखो प्याज हो गया, अब कटहल डाल देंगे इसमें। बिना आलू का भी बना सकते हो आप, लेकिन आलू से क्या है बच्चे भी खा लेते हैं और ग्रेवी अच्छी होती है, इसीलिए मैं डालती हूँ। अब मेरा वीडियो क्या है थोड़ा इधर उधर हो गया है क्योंकि मैं गाँव आई हूँ अभी, तो इग्नोर करना, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आलू डाल दिया, आलू बड़ा बड़ा डालना क्योंकि कुकर में पकाएंगे तो छोटा आलू क्या है गल जाएगी, इसीलिए बड़े 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 पीस में डालना पड़ता है। अब ये सबको मिक्स कर देंगे। ये देखो ये सब्जी को आप चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी होता है। ये वीडियो क्या है, मैं अभी गांव आई हूँ, ये वीडियो जयपुर का ही है। वीडियो मेरे पास शूट था तो मैं एडिटिंग अभी कर रही हूँ, ये वीडियो पहली वाली है, अभी मैं गांव आई हुई हूँ। अब ढक्कन ढक देंगे और आगे चल, दो तीन मिनट बाद अब ढक्कन हटाएंगे। ये क्या है, बीच बीच में चलाते रहना ताकि अंदर जले ना। ये देखो अच्छी तरह बस इसको भूनना है। अब इसमें टमाटर डाल देंगे क्योंकि टमाटर भी गलेगी। ये देखो दो टमाटर मैंने कट करके रखा था, वो डाल दिए।
बहुत ही अच्छा होता है इस तरीके से बनाना। ये लहसुन था वो भी डाल दिया अभी, लहसुन जो मैंने कूट के रखा था। आप चाहो तो चॉप करके भी डाल सकते हो छोटे छोटे पीसों में, मैंने इसको क्या है कूट के रख लिया था। अब इसमें मसाला वगैरह भी ऐड कर देंगे ताकि साथ में भुन जाए। थोड़ी देर तो भून लिया, अब इसमें हल्दी डालेंगे। ये हल्दी है, इसमें हल्दी डाल दिए। अब मिर्ची पाउडर डालेंगे, तीखा अपने हिसाब से आप कर सकते हो कम ज़्यादा। इसमें क्या है ये प्याज मीठी होती है तो इसमें थोड़ा तीखा ही चटपटा अच्छा सब्जी लगता है, तो मैं 2 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल दिया। अब धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल दिया, और ये भी धनिया ही है 2 चम्मच धनिया पाउडर। अब ये क्या है थोड़ा सा गरम मसाला है, ये भी ऐड कर दिए। एक्स्ट्रा मसाला की जो कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसी से आप बनाओ बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी होता है। अब इस सारे मसाले को मिक्स कर देंगे। ये बाबू मेरा पकड़ रहा था स्पैचुला को। अब ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये तीखी नहीं होते, कलर के लिए ये डाल दिए ताकि देखने में अच्छा हो। ये तीखा होता नहीं है, ये कलर आता है इससे बहुत अच्छा। अब सारे मसाले को मिक्स कर देंगे इसमें। ये देखो अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है, एडिटिंग करते समय मुंह में पानी आ रही थी। बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी बनता है, देखने में देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो कलर बहुत मस्त आया है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे ताकि मतलब थोड़ा सा सीज जाए। ऐसे तो कुकर है 2-3 सीटी में अच्छे से पक जाती है। नमक आप स्वादानुसार डाल सकते हो, कम ज़्यादा ऐसे करके डाल सकते हो। इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हो लेकिन मैं डाली नहीं। ये देखो अब मिक्स कर देंगे इस सारे मसाले को। वीडियो एंजॉय करो आप। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करके ऑल कर देना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक जाए। थोड़ी देर इसको भूनेंगे उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखो देखने में कितना अच्छा लगता है। ये देखो दिखाते हैं आपको। अब गैस को कम कर देना है, एकदम लो कर देना ताकि पके अच्छी से भुने मसाला। ढक के पकाएंगे। अब देखो 2-3 मिनट बाद ये ढक्कन हटाएंगे, अभी लगाना नहीं है, बस ऊपर से रख देना है। ये देखो देखो कितना अच्छा कितना लाजवाब लग रहा है देखने में। यहाँ क्या लाइट ज़्यादा मतलब अच्छी तरह आती नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। नमक डाले थे तो जितना प्याज था वो सारे गल गए, ग्रेवी बन गया। बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी होता है। हम उठा के दिखाते हैं स्पैचुला से थोड़ा आपको। ये देखो प्याज था वो गल गया, जितना प्याज था वो ग्रेवी बन जाएगा। अब पानी ऐड करेंगे। ये पानी भी अपने हिसाब से आप डाल सकते हो, जितना आपको तरी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हो। तो ये चावल के साथ या रोटी के साथ किसी के साथ भी खा सकते हो आप, बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी होता है। पानी ऐड करके अपना हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हो। ये देखो क्योंकि सीझेगी 2-3 सीटी लगेगी तो थोड़ा पानी भी कम होगा। आलू डाले हैं तो ग्रेवी अच्छी होगी। ये धनिया कट करके रखा था मैंने, ये ऊपर से डाल दिए। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छा होता है, इसी तरीके से बनाना। ये देखो अब ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा के 2-3 सीटी लगाना है इसमें। ये देखो कितना अच्छा है, कलर कितना मस्त आया है। कश्मीरी मिर्च का ये पाउडर है, इससे कलर अच्छा आता है। ये गरम मसाला है, थोड़ा मैंने डाला था थोड़ा और डाल दिए। ये देखो अब इसको क्या है, मेरे पास मैं खुद शूट कर रही थी तो ढक्कन लगाना है इसको। तो ढक्कन लगा के इसको 2-3 सीटी तक पकाना है क्योंकि भुने भी है तो उसमें भी थोड़ा बहुत सीज गया है। ये देखो कलर कितना मस्त आया है। अब इसको हम ढक्कन लगाते हैं। अभी बाबू आ गया तो वो पकड़ लिया, मैं ढक्कन लगा दी।
ढक्कन लगा के गैस को मीडियम कर देना है, हाई नहीं करना क्योंकि सारा ग्रेवी जल जाएगी। मीडियम करके 2-3 सीटी तक पकाना है इसको, उसके बाद मिलते हैं। अब ये देखो 2-3 सीटी के बाद अब नीचे उतार लिया, अभी कलर दिखाते हैं आप लोग को। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी, ये देखो कलर भी बहुत मस्त है। कश्मीरी पाउडर से ये होता है लाल मिर्च से कि कलर अच्छी होती है। ये देखो देखने में कितना अच्छा है। इस तरीके से आप बनाओ तो चिकन मटन खाना भूल जाओगे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा होता है। अब सर्विसिंग करके दिखाते हैं आपको। ये अभी ग्रेवी लग रहा है, ये अगर थोड़ी देर छोड़ दो तो थिक हो जाएगी, बहुत ही अच्छा होता है। अब ये देखो सर्विसिंग बॉल में डाल के दिखाते हैं। ये देखो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बना था। मैं एडिटिंग करते समय मेरे मुंह में पानी आ रहा था, बहुत ही अच्छा है। ये देखो कलर भी मस्त आया है, आप चावल के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हो। चावल के साथ भी अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी, किसी के साथ भी आप खा सकते हो। ये देखो जरूर एक बार इस तरीके से ट्राई करना, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखो कितना अच्छा कलर आया है ना, चिकन मटन से कम लग रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करके ऑल कर देना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये देखो कितना अच्छा, कितना अच्छा कलर आया है इसमें। ठीक है गाइस, बाय बाय, राधे राधे, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।